उद्योग और मजदूर। 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जारशाही राज्य ने रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में, जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस के राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियायतें दी। इस कारण रूस का औद्योगिकरण भी अभिजात्य राज्य के नियंत्रण में ही रहा और वहां एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। वहां बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे, जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय हालातों पर काम करना पड़ता था। सन 1905 की घटनाएं। ज़ार शासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे और लोगों को सरकार की खुलकर आलोचना करने या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के अधिकार नहीं थे। जगह जगह गुप्त संगठन बने, जो गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते थे और गुप्त आंदोलन चलाते थे। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस इस छोटे एशियाई देश से हार गया। इस कारण ज़ार का दबदबा कमजोर हुआ। उसी समय रूस के विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध और लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर राजधानी में मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर ज़ार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए, तो उन पर गोली चलाई गई और हजार से अधिक लोग मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुए। इनको देखते हुए ज़ार ने कई राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। रूस में भी चुनी हुई संसद, जिसे डूमा कहा गया, की स्थापना हुई। लेकिन चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था, ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ति वाले ही पहुँचे। ज़ार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। उसका अधिवेशन भी ज़ार अपनी सुविधा अनुसार बुलाता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीकों से आंदोलन को दबाया गया, जिसके चलते 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया या घोर ठंडी जगह साइबेरिया में काला पानी की सजा दी गई। युद्ध और 1917 की क्रांतियां। दमन चक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर्ष शांति बनी रही, मगर सन 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हुआ। इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठी और लोग ज़ार का समर्थन करने लगे। लेकिन दो वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान थक गए। चारों ओर जमीन, रोटी और शांति की मांग उठने लगी। 23 फरवरी 1917 रूस में प्रचलित कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर के बीच 13 दिनों का अंतर था। वास्तव में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटी थी, को महिला दिवस पर पेट्रागार्ड, राजधानी पीटर्सबर्ग का नया नाम, शहर की महिला मजदूरों ने शांति और रोटी की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में इन मांगों के समर्थन में मजदूरों व सैनिकों के जुलूस निकलने लगे और सैनिकों व पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्यवाही से मना कर दिया। हर कारखाने में मजदूरों की सभाएं हुई, जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया। इन सभाओं को सोवियत पंचायत जैसा एक रूसी शब्द कहा जाता था। गांव में किसान भी किसानों के सोवियत बनाने लगे और भूस्वामियों के महलों तथा दुकानों को लूटने लगे। इस प्रकार चंद दिनों में ज़ारशाही की सत्ता समाप्त हो गई और हर जगह लोग खुद की मर्जी से चलने लगे। देखते देखते पूरे शहर में 2-4 दिनों में ही पुराने शासन तंत्र का अंत हो गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले ली। ज़ार का गद्दी छोड़ना।
पेट्रागार्ड सोवियत और वहां के जन सामान्य के आक्रोश को देखते हुए डूमा ने जार से आग्रह किया कि वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दे। जार की सेना में भी विद्रोह फैल गया, जिसे देखते हुए जार ने 2 मार्च 1917 वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च को गद्दी त्याग दी। इस घटनाक्रम को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। डूमा के मध्यमवर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसे अस्थाई सरकार कहा गया। यह अस्थाई इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा गठित हो, जिसके नियमानुसार स्थायी सरकार बनेगी। उन दिनों पेट्रागार्ड सोवियत का नेतृत्व 3-4 समाजवादी दलों के प्रतिनिधि कर रहे थे। वे यह मानते थे इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग को निभाना है, जिसे देश में लोकतंत्र, भूमि सुधार और शांति लाना है। वे मानते थे कि सोवियतों की भूमिका मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने से या पुराने शासकों की वापसी को रोकना है।